हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कंप्यूटर साइंस पेपर सेकंड एनडीए नेट का में कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट आते हैं जो कि आपके आईसीटी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उसमें भी पूछे जा सकते हैं। तो उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करते हैं ताकि जो आईसीटी से रिलेटेड क्वेश्चन आएँ वो हमारे अच्छे से हो जाएँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आया हुआ है आपका पेपर टू में, वो आपका पूछ रहा है, मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन है तो इम्पॉर्टेंट है। एंड ये कई बार जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स हैं कंप्यूटर साइंस रिलेटेड उसमें पूछा गया है। आ मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम हैज 64 पेजेस विद 512 बाइट्स पेज साइज, फिजिकल मेमोरी कंसिस्ट्स ऑफ 32 पेज फ्रेम्स, नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड इन लॉजिकल एंड फिजिकल एड्रेस आर रिस्पेक्टिवली। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम से, आपके इसरो या कई प्रकार के BEL हुआ या कई और क्वेश्चंस नेट के पेपर में भी पूछा जाता है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से देखिए। मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम में बोल रखा है कि 64 पेजेस हैं और 512 बाइट का पेज साइज है। अब पूछ रहा आपसे है कि फिजिकल मेमोरी कंसिस्ट करती है 32 पेज फ्रेम, अब आपको बताना है नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर फॉर लॉजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपको जानना जरूरी है जो फिजिकल एड्रेस होता है। फिजिकल एड्रेस का मतलब यह है कि मेमोरी में कोई प्रोग्राम फाइल या कोई पेज स्टोर कहाँ पे है, ठीक है। और दोस्तों, लॉजिकल एड्रेस क्या होता है? लॉजिकल एड्रेस सीपीयू के द्वारा जनरेट किया जाता है ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, ठीक है। ये आप याद रखना कि जो लॉजिकल एड्रेस है वो सीपीयू के द्वारा जनरेट किया जाता है, ठीक है, जब किसी प्रोग्राम या किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूशन करना होता है, क्लियर। तो दोस्तों, इसका सलूशन देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है एग्जाम्स में। तो नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड इन लॉजिकल एड्रेस इज इक्वल टू, तो 64 × 512 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब दोस्तों, 64 को लिख सकते हैं 2 की पावर 6 × 512 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 9। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए बेस सेम है तो एक्सपोनेंट क्या होंगे, मल्टीप्लिकेशन के केस में एडिशन हो जाएंगे। तो इसको दोस्तों लिख सकते हैं 2 की पावर 6 + 9, दैट इज 2 की पावर 15। तो दोस्तों, जो नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड फॉर किसी भी लॉजिकल एड्रेस हो या फिजिकल एड्रेस हो, किसी भी प्रकार के एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए जो बिट्स रिक्वायरमेंट होती हैं वो 2 की पावर में होती हैं। तो यहाँ पे दोस्तों, जो 15 है, 2 की पावर 15, ये दोस्तों नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर होगा कि इस प्रकार के लॉजिकल एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो फ्रेंड्स, क्या होगा, नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड इन लॉजिकल एड्रेस फॉर रिप्रेजेंटेशन कितना होगा, 15। तो ये आपका 15 आंसर हो गया। फ्रेंड्स, लॉजिकल एड्रेस में नंबर ऑफ बिट्स कितनी होंगी और फिजिकल एड्रेस में नंबर ऑफ बिट्स कितनी होंगी, वो दोस्तों हमेशा 2 की पावर जो होती है वही आंसर होता है, ठीक है, ये आप याद रखना, ठीक है। इसी प्रकार से सिमिलरली नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड इन फिजिकल एड्रेस, तो दोस्तों फिजिकल एड्रेस में क्या दे रखा, 32 आपके पेजेस दे रखे हैं और साइज कितना है 512, तो इसको क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, 512 × 32। तो 512 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 9 एंड 32 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5। तो इस ये कितना हो गया, आप देखते हो सेम बेस है तो एक्सपोनेंट इसमें भी एडिशन हो जाएंगे मल्टीप्लिकेशन के केस में। तो आपका 2 की पावर 9 + 5 हो जाएगा, दैट इज़ 2 की पावर 14। फ्रेंड्स, तो नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल एड्रेस, दैट इज़ 14 बिट्स, ठीक है। तो ये आपकी 2 की पावर 14 मीन्स क्या है, ये आपकी नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल एड्रेस, ठीक है। तो फिजिकल एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए 14 बिट की आवश्यकता होगी, जबकि लॉजिकल बिट को रिप्रेजेंट करने के लिए 15 बिट्स की जरूरत पड़ेगी। लॉजिकल एड्रेस को रिप्रेजेंट करने में 15 बिट्स और फिजिकल एड्रेस को रिप्रेजेंट करने में 14 बिट्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसकी आप प्रैक्टिस कर लेना और इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपका आईओटी से रिलेटेड। तो दोस्तों, आईओटी क्या होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये आपका जो टर्म है आईओटी, इसको बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसको बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आजकल सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विच ऑफ द गिवन वायरलेस टेक्नोलॉजीज़ इन आईओटी कंज्यूम्स द लीस्ट अमाउंट ऑफ पावर।
तो इन टेक्नोलॉजी में से सबसे कम पावर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करती है, तो ये आपको ऑप्शन बताना है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है जिग्गी, दूसरा है ब्लूटूथ, तीसरा है वाईफाई और फोर्थ है आपका जीएसएम एंड सीडीएमए। तो फ्रेंड्स जीएसएम आपका क्या है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, एंड सीडीएमए क्या है, कोड डिविजनल मल्टीप्लेक्स या कोड डिविजनल मल्टीपल एक्सेस। ठीक है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है वो है ब्लूटूथ। ठीक है, क्लियर। ब्लूटूथ फ्रेंड्स भी आपकी क्या है, एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है और ये आपके सेलफोन और आपके लैपटॉप्स या इस प्रकार के डिवाइसेस में यूज होती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ब्लूटूथ। ब्लूटूथ आईओटी में एक इस प्रकार की टेक्नोलॉजी है जो सबसे कम इन चारों में से पावर कंज्यूम करती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट थे, इनको नोट डाउन कर लेना, रिवाइज करते रहना। ठीक है, ये मे भी कई एग्जाम्स में पूछे जाएँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।